आज अगर हमारी पृथ्वी पर जीवन है तो वो सूर्य की बदौलत है। सूर्य हमें रोशनी और अनंत ऊर्जा देता है। इसी ऊर्जा का प्रयोग करके पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। अगर सूरज ना होता तो हमारी धरती बर्फ का गोला और अंधेरे में डूबी रहती। ऐसे कई सवाल हैं जो हमें सूरज के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे हमारे सूरज का जन्म कब और कैसे हुआ, और इसका अंत, और इसके बिना धरती पर जीवन होगा या नहीं। ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे सौरमंडल की शुरुआत आकाश गंगा में मौजूद धूल और गैसों के मिश्रण से बने बादल से हुई थी। ये बादल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से घूमने लगे और सिकुड़ गए। ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होने के कारण इसकी गेंदें इसके केंद्र में चली गई। गैसों के केंद्र के जाने में इन्होंने ये एक ठोस रूप अपना लिया। वहाँ का तापमान और दाब काफी अधिक मात्रा में बढ़ गया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के मौलिक आपस में टकराने लगे और हीलियम के मौलिक का निर्माण किया। इस प्रोसेस में लाखों ही साल लग गए। इसके बाद जन्म हुआ एक गैस के बड़े केंद्र का, जिसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से और गैस के केंद्र और बादल के कण इसके साथ जुड़ते रहे। इस प्रोसेस में लाखों साल लगे और इस तरह जन्म हुआ हमारे सूरज का। दोस्तों, सूरज आज अपने जीवन के आधे पड़ाव पर है। इसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ और आगे आने वाले कई लाखों साल तक होगा भी नहीं। साइंटिस्ट के मुताबिक सूरज की आयु 10 अरब वर्ष तक है। पिछले 4.5 अरब सालों से सूरज अपने हाइड्रोजन का आधा इस्तेमाल कर चुका है और ये अगले 5.5 अरब साल तक चलेगा।